Now, next we will study the next kind of energy, that is geothermal energy. What is exactly geothermal energy? Geo word stands for surface or earth, okay, it's for land, and thermal means heat. So earth ki heat is known as geothermal energy. So we can define geothermal energy as energy inside earth is called geothermal energy. Simple सा definition हम इसका कह सकते हैं. Geothermal energy मतलब earth के अंदर की energy is known as the geothermal energy. Now, ये energy earth में आई कहाँ से? ये energy जो गर्म जो hot energy है, जो thermal energy, ये आई कहाँ से? जब earth का formation हुआ था, तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? बहुत सारे पार्टिकल्स थे यूनिवर्स में, वो इधर उधर मूव कर रहे थे, धीरे धीरे आके वो एक दूसरे से कोलाइड होने लगे और कंबाइन होने लगे. जब पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं या कोलाइड होते हैं, तब वहां पे जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होती है. हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है. धीरे 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 क्या हुआ, जब बहुत सारे पार्टिकल्स टकराए, कोलाइड हुए, कोलाइड होने से हीट एनर्जी डेवलप हुई, और उन पार्टिकल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि आयरन हुआ या गोल्ड हुआ या सिलिका हुआ या कॉपर हुआ, ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स उन रॉक्स में, उन पार्टिकल्स में प्रेजेंट थे. आप देखेंगे यूनिवर्स में आज भी जो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कुछ एस्टेरॉइड्स आर गोल्ड रिच, उनमें बहुत सारा गोल्ड है, कुछ में आयरन बहुत है, अलग अलग तरह से एलिमेंट्स उनमें मिक्स्ड है और दे आर रोटेटिंग, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Okay. वो हो सकता है अर्थ पे कभी ना कभी कोलाइड करे, और इन पास्ट बहुत पहले, बिलियंस ऑफ इयर्स पहले, वह अर्थ पे कोलाइड करते थे. उनके कोलिजन से क्या होता था, उनके कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती थी, और हीट प्रोड्यूस होने से दीज एलिमेंट्स गेट मेल्टेड, ये सभी एलिमेंट्स मेल्ट होते थे. तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, धीरे 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 जो ऐसे एलिमेंट जो कि बहुत हैवी हैं, जैसे कि आयरन हुआ या कॉपर हुआ, दीज एलिमेंट्स आर वेरी हैवी. तो अर्थ के अंदर 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 बहुत, जब ये मोल्टन आयरन या मोल्टन एलिमेंट्स जाते गए, तो अर्थ ऊपर से सॉलिड फॉर्म में होती गई, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती गई, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस था दैट इज एक्सपोज्ड, वो ऊपर की तरफ एक्सपोज था. तो एक्सपोज्ड होने की वजह से क्या हुआ, वो जल्दी ठंडा हो गया, और अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मोल्टन आयरन है या कॉपर है या गोल्ड है, अदर एलिमेंट्स है, वह अंदर के अंदर ही ट्रैप रह गए, क्योंकि इतनी सरफेस उन्हें नहीं मिली, उनको एटमॉस्फेयर की एयर नहीं मिली, उनको ठंडक करने वाली कोई चीज नहीं मिली, इसीलिए अभी भी वह मोल्टन स्टेट में ही वहीं पर ट्रैप है. तो अर्थ के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, सरफेस के अंदर जो कोर फॉर्मेशन है, उस कोर में आप देखेंगे कि आज भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में लिक्विड आयरन, कॉपर एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम, ऑल दीज एलिमेंट्स आर फ्लोटिंग, यह सभी एलिमेंट अंदर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वह अभी भी फ्लोट कर रहे हैं कि अर्थ की हीट बाहर नहीं आ पा रही. कहीं कहीं पे हीट बाहर आ जाती है, लेकिन अभी भी अंदर हीट ट्रैप्ड है. सो ये जो हीट ट्रैप्ड है, इस ट्रैप्ड हीट को हमने कहा कि अर्थ की एनर्जी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एनर्जी, इज ट्रैप्ड inside the earth. अब ये जो एनर्जी, ये जो हीट ट्रैप्ड है, ये क्या करेगी? आप जानते हैं कि अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर क्या है, क्रस्ट के अंदर रॉक्स है, रॉक्स में मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स है. तो ये जो हीट होती है, जो अर्थ के अंदर की एनर्जी है, हीट एनर्जी है, दिस एनर्जी इज सफिशियंट टू मेल्ट द रॉक्स. रॉक्स को मेल्ट कर सकती है, पत्थरों को पिघला सकती है, इतनी ज्यादा ये एनर्जी है. सो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, सरफेस पे आप देखेंगे आपको रॉक्स दिखेंगे, थोड़े अंदर जाएंगे तब भी रॉक्स दिखेंगे, थोड़े गर्म दिखेंगे. जब आप धीरे 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 अर्थ के बहुत अंदर चले जाएंगे, यू विल फाइंड मोल्टन रॉक्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द अर्थ. सो वी विल से
इन द अर्थ क्रस्ट मोल्टन रॉक्स आर फ्लोटिंग. मोल्टन रॉक्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं एंड दीज मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा. इन्हें हम मैग्मा के नाम से जानते हैं. मैग्मा क्या है? मैग्मा इज बेसिकली रॉक्स का मोल्टन फॉर्म, एक लिक्विड जैसा फॉर्म है, या लिक्विड भी नहीं कहे, सेमी सॉलिड काइंड ऑफ फॉर्म इज द मैग्मा. नाउ दिस मैग्मा इज फ्लोटिंग इनसाइड द अर्थ. अर्थ की क्रस्ट से थोड़ा सा अंदर आप जाएंगे, सो दिस मैग्मा इज कंटिन्यूअसली फ्लोटिंग देयर. वहां पे यह मैग्मा फ्लोट कर रहा है और इस मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स. इस चीज को समझते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली टेक्टोनिक प्लेट्स. आप ये जानते हैं कि एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली कॉन्टिनेंट्स. यह कॉन्टिनेंट्स आर, ऐसा क्यों डिफाइन किया कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं? बिकॉज दीज आर ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स. जैसे कि नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका पूरा एक अपने आप में एक रीजन है, वो एक प्लेट पे बना हुआ है. ओके, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका या एशिया या फिर यूरोप, यह सभी क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती है. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मतलब वो टुकड़े, वो पार्ट्स जिसके ऊपर पूरा एक रीजन बना हुआ है. सो व्हेन दीज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव दे कॉज अर्थक्वेक. इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से क्या होता है, इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है. नाउ दीज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फ्लोट ऑन मोल्टन मैग्मा. सो वी विल से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दीज आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट ऑन मैग्मा. यह कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं. नाउ व्हेन दे मीट, व्हेन दे कोलाइड, वी विल फेस अर्थक्वेक. वहां पे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बनती है. मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से एक दूसरे के पास आएंगी और टकराएंगी, तो या तो वो इस तरह से नीचे जाएगा, डिप्रेशन क्रिएट होगा, या फिर वो इस तरह से ऊपर जाएगा और माउंटेन क्रिएट होगा. जो वॉल्केनोस क्रिएट होते हैं, वॉल्केनो बेसिकली कैसे क्रिएट होते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इस तरह से ऊपर की तरफ वो मूवमेंट करती हैं. और मूवमेंट करने से क्या होता है, जो अंदर का मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है अंदर, मोल्टन मैग्मा, वो ऊपर की तरफ आता है. नाउ ये जब ऊपर की तरफ आएगा और जैसे ये एटमॉस्फेयर में शूट होगा, सो इट विल क्रिएट अ लॉट एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्रिएट करेगा. सो दिस मैग्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जियोथर्मल एनर्जी. ओके, सो हमने कहा कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं, तो कॉन्टिनेंटल या टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें कहते हैं, इनके टकराने से जो अर्थ के अंदर मैग्मा है उसका मूवमेंट होता है. ठीक है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, अगर वो टकरा के ऐसी ऊपर हुई तो वो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है. नाउ इफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कम क्लोजर देन माउंटेन्स आर फॉर्म, बट वॉट विल हैपन इफ दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से दूर जाए तब क्या होगा. सो वी विल से इफ दीज प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, then the surface will become
थिन। सो व्हाट विल हैपन जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से पास पास हैं और जब ये धीरे धीरे दूर मूव करने लगेंगी, एक दूसरे से दूर होने लगेंगी, इन दैट केस जो सरफेस है, इनके एज पे जो सरफेस है, वह सरफेस धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, वह सरफेस धीरे धीरे पतली होने लगेगी। और जब सरफेस धीरे धीरे पतली होगी तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का मोल्टन मैग्मा है वह ऊपर आने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी हीट ट्रैप्ड है। तो जैसे ही उसको जगह मिलेगी, इट विल शूट अपवर्ड्स। सो दैट्स वाई ऐसी जगह पे जहां पे ये प्लेट्स एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट होने लगती हैं, वहां की सरफेस बहुत ही कम होती है, वहां पे सरफेस बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, और थिन होने की वजह से वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वह सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होती है। इस तरह की सरफेस यू विल फाइंड इन आइसलैंड, आइसलैंड कंट्री में, बिकॉज आइसलैंड कहाँ है, आइसलैंड इज एट द एज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट। आइसलैंड इज बेसिकली एट द एज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट, मतलब जहां पे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन प्लेट्स मीट कर रही है वहां पे आइसलैंड लाई करता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यह दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, धीरे धीरे सेपरेशन बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, आइसलैंड की जो सरफेस है वह पतली होती जा रही है, और पतली होने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे वह सरफेस पतली हो रही है वैसे वैसे नीचे की हीट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सो व्हेन यू गो टू द आइसलैंड, आइसलैंड में अगर आप देखेंगे, सो यू विल फाइंड इन आइसलैंड लॉट ऑफ स्टीम इज कमिंग आउट लॉट ऑफ स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस है उस सरफेस में से बहुत सारी स्टीम ऊपर की तरफ आती है। अब ये स्टीम कैसे आ रही है, स्टीम इज बेसिकली बॉइल वाटर, बॉइलिंग वाटर जो होता है, तो ये स्टीम में कन्वर्ट कैसे हुआ, देखिए अर्थ के अंदर जाएंगे, काफी ज्यादा अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड मैग्मा, मैग्मा उसके ऊपर जो है उसके ऊपर पानी है। अर्थ के अंदर अगर आप ऐसे गड्ढा खोद के अंदर चले जाएंगे, सो यू विल फाइंड कि बहुत नीचे में या थोड़ा सा नीचे में यू विल फाइंड वाटर, वहां पे पानी है। अब जब वो मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा, मैग्मा के कॉन्टैक्ट में क्यों आया, बिकॉज जब टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट हुई तो नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करा, और जब वो मूव करा सो मैग्मा के कॉन्टैक्ट में ऊपर का पानी आया, और पानी जब उस मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा सो वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, वह पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द अर्थ। बिकॉज स्टीम क्या होती है, स्टीम इज वेरी पावरफुल, स्टीम में बहुत ज्यादा पावर होती है, स्टीम में इतनी पावर है कि इट कैन कट रॉक्स, वह रॉक को भी कट करती हुई ऊपर की तरफ आ जाएगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। लेट्स से दिस इज द मैग्मा, यहां पे इस तरह से मैग्मा है और इस मैग्मा के ऊपर यहां पे रॉक्स है, लाइक दिस, नाउ और इस रॉक्स के ऊपर यहां पे पानी है, यहां पे वाटर है, और वाटर के ऊपर फिर से रॉक्स है, और इन रॉक्स के ऊपर यहां पे अर्थ का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, बेसिकली जो ये रॉक्स बने हुए हैं ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स दूर खसक रही हैं। तो क्या होगा, दिस मैग्मा विल स्टार्ट राइजिंग, ये ऐसा ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, और मूव करके ये जब पानी के पास पहुंचेगा, पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, दिस वाटर विल बॉइल, दिस वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम, यह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। नाउ दिस वाटर इज मूविंग अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहां पे ये अर्थ सरफेस
क्योंकि अर्थ सरफेस बहुत थिन हो गई, थिन होने की वजह से क्या होगा, दिस स्टीम विल कम आउट, यह स्टीम इस तरह से बाहर की तरफ मूव करने लगेगी और ऊपर की तरफ आ जाएगी। सो आइसलैंड जैसी कंट्री में देखा जाता है कि अर्थ के कहीं कहीं पे सरफेसेस पे कंटिन्यूअसली स्टीम निकलती रहती है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई धुआं अंदर भरा है और वो धुआं बाहर आ रहा है, इट्स लाइक वहां पे स्टीम है और स्टीम गर्म हो रही है। यह स्टीम बिल्कुल वैसी दिखती है जैसा कि गर्म पानी करने पे दिखता है, आप घर में जो पानी बॉईल करते हैं उसमें से स्टीम उठती हुई दिखती है, बिल्कुल उसी तरह की स्टीम आइसलैंड में हर जगह हर कोने पे सरफेस में से निकलती हुई देखी जा सकती है, बिकॉज ऑफ थिन क्रस्ट ऑफ द आइसलैंड, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो फिनोमिना है, यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम मैग्मा की वजह से जो पानी है ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ आता जा रहा है। अब एक लिमिट बाद ये पानी खत्म तो होगा, कहीं ना कहीं सूखेगा जरूर, भले ही आज नहीं 10 साल बाद, 50 साल बाद, एटलीस्ट 50 ईयर्स और 20 ईयर्स, यू कैन से 20 से 30 साल में तो खत्म होगा, ये कंटिन्यूअसली निकल रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में ये पानी बाहर आ रहा है। ये जो पानी बाहर आ रहा है, दिस वाटर, दिस स्टीम कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगेन हमारा मुद्दा वही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। कैसे बनाएंगे, जो पानी यहां से आ रहा है उसी को यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमने ये कॉलम बनाया कुछ इसी तरह से, दिस इज मैग्मा, दिस इज रॉक्स, एंड रॉक्स के ऊपर दिस इज वाटर, वाटर के ऊपर वापस से रॉक्स, एंड देन दिस इज द सरफेस। तो क्या है, ये मैग्मा है, दिस इज व्हाट वी कैन से रॉक्स, दिस इज वाटर, एंड दिस इज अगेन रॉक्स, एंड दिस इज द अर्थ सरफेस। हमने यहां पे एक छेद किया, इस तरह से एक गहरा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा। तो गड्ढा खोदने से क्या हुआ, इस तरह का एक टनल अंदर बन गया। दिस काइंड ऑफ टनल इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर ऐसा टनल बन गया। और ये टनल हमने कहां पे बनाया, ये टनल हमने वहां पे बनाया जहां पे ऐसा फिनोमिना दिख रहा है, जहां पे इस तरह से स्टीम बाहर आती हुई दिख रही है। तो हमने क्या करा, वहां पे हमने रॉक्स को हटाया और उस टनल को बना लिया, एक टनल ऐसा बनाया। तो अब क्या होगा, जो स्टीम रैंडमली ऐसे आके फैल रही थी इधर से उधर, इस तरह से मूव कर रही थी, वह स्टीम अब यहां पे, अब वो यहां पे एक डायरेक्शन के थ्रू इस तरह से निकलेगी। हमने इस स्टीम को एक डायरेक्ट कर दिया, एक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया, आपने उसके ऊपर इस तरह से एक टनल लगा दिया, एक पाइप लगा दी, और पाइप से क्या हुआ, उसको डायरेक्शन मिल गई। नाउ इस पाइप के ऊपर हमने यहां पे एक टरबाइन फिट कर दिया और टरबाइन से एक जनरेटर कनेक्ट कर दिया। नाउ अब जब तक ये स्टीम अर्थ के अंदर से बाहर आती रहेगी तब तक ये टरबाइन घूमता रहेगा, ओके, तब तक वो टरबाइन को घुमाती रहेगी और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद दिस वाटर विल ड्राई अप, ये पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट होके उड़ चुका होगा। सो दिस जनरेटर कैन वर्क फॉर मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो क्या होगा, हमने ये ड्रिल करा, यहाँ पे टनल पाइप डाली, पाइप डाल के ऐसा जनरेटर फिट किया और टर्बाइन फिट किया और उससे जनरेटर कनेक्ट किया और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये सब करा। तो दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली, ये चीज करना आसान नहीं है, बहुत खर्चे वाला काम है, बहुत पैसा लगता है। सो हमने बहुत सारा पैसा लगा के इस तरह से इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करने पे हमने देखा कि 20 साल बाद तो ये खत्म हो जाता है, 20 साल बाद यहाँ पानी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए दिस सोर्स इज नॉट टू मच वायबल, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये जो मेथड हमने करा ऐसा पानी टनल करके उसमें से पानी लिया, सो दिस इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज पानी यहाँ पे लिमिटेड है। तो एक तरह से ये जो चीज है ये रिन्यूएबल नहीं है। क्यों नहीं है रिन्यूएबल, बिकॉज पानी यूज हो रहा है और पानी ड्राई होता जा रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट रिन्यूएबल। सो इस मेथड को हमने ऑप्ट नहीं किया।
तो हमने सोचा कि फिर इसको कैसे यूज किया जाए, तो हमने उसके लिए एक नई मेथड बनाई जियो थर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए, विच इज रिन्यूएबल इन नेचर। सो वी विल स्टडी दैट मेथड। फर्स्ट आप इसे लिख लें, हमने कहा कि ये जो प्लांट हमने अभी बनाया, ये प्लांट बहुत ज्यादा तो इफेक्टिव नहीं, तो फिर क्या करें? ये इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो होल है जहां से स्टीम आ रही है वो कभी भी खत्म हो सकती है, 20 से 30 साल में उसका लाइफ स्पैन है और वो उसके बाद खत्म हो जाएगा। सो इतने इन्वेस्टमेंट के बाद हम चाहेंगे कि एटलीस्ट वो 100 ईयर्स तक चलता रहे। सो हमने क्या करा, हमने एक दूसरा मेथड निकाला। हमने एक मेथड ऐसा निकाला कि जो ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस में दिस इज मैग्मा यहाँ पे, एंड इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से रॉक्स हैं, कुछ इस तरह से यू विल फाइंड कि यहाँ पे रॉक्स हैं। नाउ हमने यहाँ पे दो टनल डिक किए, हमने दो टनल्स को डिक किया। फर्स्ट वन इज लाइक दिस एंड सेकेंड वन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा दो टनल्स डिक किए और इस टनल पे हमने कनेक्ट किया हमारा टर्बाइन। और यहां पे जनरेटर, सो व्हाट वी हैव डन, हमने इस बार एक की जगह दो टनल्स डिक किए। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम क्या था? हमारे लिए मेन प्रॉब्लम था कि अंदर का पानी सूख रहा है, तो वो जो पानी सूख रहा है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो पानी जो सूख रहा है, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वो पानी सूखे नहीं, या कहें वहां पे हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, हमें जो जमीन के अंदर का पानी है उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। तो हमने दो टनल डिक किए और इस पहले टनल से हमने क्या करा, हमने कोल्ड वाटर को अंदर डाला, हमने कोल्ड वाटर को इसके अंदर डाला। अब कोल्ड वाटर इस टनल से होते हुए अंदर चला गया और अंदर जाके इन रॉक्स के ऊपर से ऐसा मूव करने लगा, इस तरह से रॉक्स पे जाके मूव करने लगा। नाउ दीज रॉक्स आर वेरी हॉट, ये रॉक्स क्या है, ये बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि इनके नीचे मैग्मा है। सो ये गर्म है और ये रॉक्स गर्म है, इसका मतलब ये अपनी हीट को क्या करेंगी, ये अपनी हीट को वाटर को ट्रांसफर करेंगी। वाई? बिकॉज यहां से हमने कोल्ड वाटर डाला है, ठंडा पानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर होता है उसे डाला और वह इस क्रैक्स में से, इन रॉक्स के बीच में से होते हुए इस तरह से मूव कर रहा है, और मूव करते करते दिस वाटर विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम। नाउ अब स्टीम अंदर ट्रैप तो हो नहीं सकती, ओके, बिकॉज प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि हम वाटर कंटिन्यूअसली डालते जा रहे हैं, हमने पानी डालते गए, तो उससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे जहां पे भी आउटलेट दिखेगा वो वहां से बाहर निकल जाएगी। सो यू विल फाइंड कि जो ये स्टीम यहां से फॉर्म हुई है, दिस स्टीम विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम दिस टनल। तो सेकेंड टनल से क्या हुआ, स्टीम ऊपर की तरफ मूव करने लगी और मूव करके इस टर्बाइन को एनर्जी देने लगी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो हमने आर्टिफिशियली एक वाटर का यहाँ पे रिजर्वायर क्रिएट कर दिया, कैसे, आपने खुद से पानी डाला, ओके, और यहाँ से स्टीम निकाली, फिर जो स्टीम से ये यहाँ पे वापस से वाटर निकला, स्टीम ने क्या करा, अपनी एनर्जी दे दी टर्बाइन को, और टर्बाइन को एनर्जी मिलने के बाद वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो गया और वो वाला वाटर वापस से रिसाइकल हो गया, उसे अंदर वापस से हमने यहां से डाला और फिर से सेम प्रोसेस हुई, सेम प्रोसेस से स्टीम बनी, स्टीम से टर्बाइन चला, टर्बाइन से जो एनर्जी दे दी, जिसको स्टीम ने जो अपनी एनर्जी टर्बाइन को दे दी, उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई और फाइनली वापस से उसे हमने अंदर डाला और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि अंदर पानी खत्म हो जाएगा या और कोई प्रॉब्लम होगी। हमने क्या करा, हमने आर्टिफिशियली अपने से पानी डाला और उसे यूज करा। सो दिस काइंड ऑफ प्लांट इज अ बिट इजी,
ओके, दिस काइंड ऑफ प्लांट इज अ बिट रिलायबल, कि ये चीज कई सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एटलीस्ट, थाउजेंड तो नहीं ज्यादा हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हम ऐसा प्लांट चाहते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक एटलीस्ट चले, तभी हम उसका कुछ प्रॉपर यूज कर पाएंगे। इस तरह से हम जियो थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। इन द एंशियंट टाइम आपने सुना होगा, एंशियंट टाइम में एंशियंट पीपल यूज दिस एनर्जी टू कुक फूड। एंशियंट पीपल इस एनर्जी को खाना पकाने के लिए यूज करते थे। और इस तरह का जो प्लांट हमने बनाया, दिस इज जियोथर्मल पावर प्लांट, दिस प्लांट वॉज फर्स्ट बिल्ट इन इटली। इटली में इस तरह का एक प्लांट बनाया गया था। दिस प्लांट वॉज बिल्ट इन 1904। 1904 में इटली में ऐसा एक प्लांट बनाया गया जियोथर्मल, और इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। देन इंडिया में जो प्लांट है, इन इंडिया देर इज अ जियोथर्मल पावर प्लांट इन लद्दाख। लद्दाख में एक जियोथर्मल पावर प्लांट है, एंड दिस प्लांट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5 किलोवाट। केवल 5 किलोवाट, 5000 वाट की एनर्जी ही यहां से जनरेट हो पाती है। इट इज सो बिकॉज ये जियोथर्मल पावर प्लांट हर जगह सुटेबल नहीं है। ऐसी सरफेसेस जो कि माउंटेन पे है या क्रस्ट से बहुत ऊंची है, ओके, जो प्लेट्यूज है वहां पे ये चीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वाई दिस इज सो? बिकॉज हमें बहुत ज्यादा डीप अंदर खोदना पड़ता है, तो इतना डीप खोदना इज नॉट इजी एंड इट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। दैट्स वाई ये हर जगह पे यूजेबल नहीं है। सो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, ऑफ दिस जियो थर्मल एनर्जी, नंबर वन एडवांटेजेस, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये रिन्यूएबल क्यों है? बिकॉज ये कंटिन्यूअसली यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो खत्म नहीं होना, वो कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक है? वहां इतना सारा मैग्मा है कि आप अगर बहुत सारे टनल्स भी ऐसे खोद दो, ठीक है, तब भी कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला इसके टेम्परेचर में। इट इज एट वेरी ह्यूज टेम्परेचर, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेंटीग्रेड पे यह मैग्मा यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। सेकेंड थिंग इज दिस इज पॉल्यूशन फ्री। दिस एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। वाई? बिकॉज हम कोई कोल नहीं जला रहे, हम कोई ऑयल नहीं बर्न कर रहे, हम सिर्फ इस मैग्मा की मदद से मैग्मा को लेके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो स्टीम बाहर आ रही है यहां से। यहां से कोई और पॉइजनस गैस या कोई केमिकल ऐसा बाहर नहीं आ रहा, हेंस वी विल से दिस इज पॉल्यूशन फ्री। यहां पे कोई पॉल्यूशन होने की संभावना ही नहीं। देन थर्ड, इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रहेगी। देन फोर्थ, इट इज नॉट वेदर डिपेंडेंट। इट इज नॉट वेदर डिपेंडेंट। जैसे कि सोलर एनर्जी, अगर आप चाहें तो सोलर एनर्जी को आप रेनी सीजन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय क्लाउड्स रहते हैं तो सन एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती अर्थ तक। लेकिन ये एनर्जी कैसी है? चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा आप देखेंगे कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है
यह तो मोल्टन ही रहेगा, ये इसका टेम्परेचर तो हाई रहेगा चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। ओके, दैट्स वाई हम इस एनर्जी को कभी भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऐसी जरूरी नहीं कि आप इसको यूज करें, मतलब सिर्फ गर्मी में यूज करें या फिर सिर्फ सर्दियों में यूज करें, आप इसे रेनी सीजन हो या कहीं पे भी हो आप इसे यूज कर सकते हैं। देन इट हैज अदर यूजेस ऑल्सो। इसके और भी कई सारे यूज हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो कंट्रीज ठंडी कंट्रीज होती हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, जहां पे स्नो होती है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे कोल्ड सीजन में जब ठंड के दिनों में अर्थ को अर्थ में एक टनल डिग करके अंदर कर देते हैं, एक अरेंजमेंट बना देते हैं कि आप एक टनल डिग करके उसमें एक पाइप डाल देते हैं और उस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं घर के खिड़की से या रेडिएटर से। ओके, घर के एक एग्जॉस्ट फैन से उसे कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, अर्थ के अंदर की गर्मी को वह टनल के थ्रू ऊपर खींचा जाता है और खींच के फिर घर पे लिया जाता है। तो जैसे कि यूएस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पे ठंड कुछ ज्यादा है, तो अर्थ की इस जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है थ्रू टू कीप देयर होम वार्म, कोजी करने के लिए इस एनर्जी को यूज किया जाता है, घर को गर्म रखने के लिए यूज करते हैं। एक टनल डिग करके उसमें पाइप डाल दिया और ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, ताकि उससे क्या होगा, वो अंदर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खींचेगा और उसको घर में छोड़ेगा, तो उससे एक कोजी टेम्परेचर, एक वार्म क्रिएट होगा। ओके, सो इन दिस वे दिस जियोथर्मल एनर्जी इज यूजफुल, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। वाई इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, बिकॉज हर जगह की क्रस्ट पतली नहीं होती, हर जगह की क्रस्ट आइसलैंड जैसी नहीं होती। अलग अलग कंट्रीज में कोई कंट्रीज थोड़ी हाइट पे हैं, कोई कंट्रीज थोड़ी नीचे हैं, तो ऐसी कंट्रीज जो हाइट पे हैं वहां पे हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकते, इसे हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई ये हर जगह अवेलेबल नहीं। ओके, सेकेंड इज इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए बिकॉज अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन्स यूज नहीं होती, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, ठीक है, और ऐसे रॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, तो उन्हें कट करने के लिए, उन्हें टनल डिग करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए उनके ऊपर डायमंड लगा दिया जाता है। जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसके ऊपर एक डायमंड रहता है, एंड यू नो दैट डायमंड इज द बेस्ट कटर, सबसे अच्छा कटर होता है डायमंड। सो डायमंड की मदद से उन रॉक्स को काट के अंदर घुसा जाता है। सो डायमंड अपने आप में एक बहुत कॉस्टली है, तो अगर ड्रिलिंग हम करेंगे तो उस मशीन की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ डायमंड। सो इस तरह की मशीनें हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इन्हें बनाना भी मुश्किल होता है, और इसलिए ड्रिलिंग करना इज नॉट एन ईजी टास्क, इस ड्रिलिंग करना बहुत कठिन काम है। सो दैट्स वाई इक्विपमेंट्स इसके बहुत कॉस्टली होते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज दिस, जैसे हमने पहले देखा था कि जो होल हमने डिक किया उस होल में हो सकता है उसकी लाइफ स्पैन कम हो, तो इसीलिए खत्म हो जाए। सो द लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉटस्पॉट इज स्मॉल। एक हॉटस्पॉट का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। व्हाट इज हॉटस्पॉट, जहां पे आप टनल डिक कर रहे हैं, जहां से स्टीम निकलती दिख रही है अर्थ के अंदर से, जिस पोजीशन, जिस सरफेस में से स्टीम निकलती दिख रही है, उसे हम कहते हैं कि वह एक हॉटस्पॉट है, बिकॉज उसके अंदर हॉटनेस है, तो वह एक स्पॉट है एंड इट्स अ हॉट, सो इट इज हॉटस्पॉट। इस तरह से टर्म बनाई गई है हॉटस्पॉट। तो आइसलैंड में आप देखेंगे कि जगह जगह हॉटस्पॉट दिखते हैं, जगह जगह आपको
हॉटस्पॉट दिखते हैं, जगह जगह से स्टीम निकलती हुई दिखती है। इस तरह से इंडिया में भी लगभग 350 हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड। इंडिया में लगभग 350 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां पे हम इस तरह का अरेंजमेंट बना के और हीट एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जियो थर्मल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द जियो थर्मल एनर्जी। एंड रिमेंबर, जियो थर्मल एनर्जी दिखने में बहुत अच्छी है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हमारी सारी एनर्जी नीड्स फुलफिल कर देगी, बट प्रैक्टिकली देखी जाए तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम अर्थ। अर्थ के अंदर की एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो हर तरह की एनर्जी के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, एंड दीज एनर्जीज आर लोकेशन स्पेसिफिक। जैसा कि फ्रांस में हमने देखा, फ्रांस में टाइडल एनर्जी यूज अच्छी हो सकती है, फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पे इस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि वहां पे आप टाइडल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ओके, थर्मल एनर्जी की बात करें तो इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं वहां पे थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा आती है, तो सोलर एनर्जी वहां पे सबसे ज्यादा यूज हो सकती है बिकॉज ऑफ इट ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ रीजन, हम एनर्जी का सोर्स यूज करेंगे। जहां पे विंड ज्यादा, बहुत ज्यादा चलती है, जैसे कि डेनमार्क में विंड बहुत ज्यादा है, तो हम वहां पे विंड एनर्जी यूज करेंगे। हालांकि उसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इट इज द बेस्ट प्रेफरेंस, हमारी चॉइस रहती है। तो इसीलिए इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग तरह की एनर्जी अवेलेबल है। आप देखेंगे कि इंडिया में सोलर एनर्जी भी यूज करते हैं, इंडिया में वेव एनर्जी भी यूज करते हैं, टाइडल एनर्जी का भी अरेंजमेंट है, देन थर्मल एनर्जी का भी है, देन हाइडल एनर्जी का भी है। सभी तरह की एनर्जीज को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से तो नहीं बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ओके, सो जियो थर्मल एनर्जी के साथ भी सेम है। सो यू कैन नोट दिस,